प्रीता, ये जो रीजन है ना, ये कि हमने कुछ खो दिया, उसकी कमी पूरी करने के लिए हमें बच्चा चाहिए। आई थिंक दैट्स नॉट राइट। थोड़ा वक्त देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, मैं बच्चा नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा वक्त देते हैं। करण, मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई कमी पूरी करना चाहती हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी ये चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब इस घर में एक छोटी प्रीता आए जो इस घर को खुशियों से भर दे, सबकी आंखों में खुशियां भर दे और सारे गम और सारे आंसू मिटा दे। कि मैं चाहती हूँ, और मैं ही नहीं, करीना बुआ भी ऐसे ही चाहती है, और दादी भी बहुत खुश होंगी। वो भी यही चाहती हैं कि हम इस घर में नन्हा मेहमान ले। तो ये सब तुमसे हुआ ने कहा? मैं बात करके आता हूँ। नहीं करण, किसी ने मुझे कुछ भी कहा हो, लेकिन मैं तुमसे ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा फैसला है। मैं ऐसा करना चाहती हूँ, और अब मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा क्या फैसला है। चलो बाहर शलिन से मिल लो, पूरा लूथरा परिवार शलिन के पास है, चलो और उसका हालचाल पूछ लो। दोस्त है ना तुम्हारे, तुम्हें कहती हूँ ना हमेशा, शलिन तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ चल के अपनी दोस्त का हालचाल पूछ लो। तबीयत नहीं ठीक है मेरी। क्या हो गया? सर्दी खांसी जुकाम बॉडी पेन हेडेक, क्या हो गया? ये सब बहाने हम स्कूल में मारा करते थे, है ना? पर अब हम बड़े हो गए और ये ना तो स्कूल है और ना ही अब स्टूडेंट्स। इससे कोई और अच्छा बहाना नहीं मिला तुम्हें। हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे झूठ बोलने की? कौन सा झूठ? मैंने कोई झूठ ही नहीं बोला। कौन सा झूठ? अच्छा, कब किसको कौन सा कैसा किस वक्त झूठ बोलती हो, भूल जाती हो? हॉस्पिटल से मैंने जब तुम्हें कॉल करके ये पूछा कि तुम कहाँ हो, तुमने मुझसे ये कहा कि तुम अपनी मॉम के घर पे हो,
और तुम अपनी मां के घर पे नहीं थी, तुम अपनी मां के घर पे नहीं थी, तुम वहां एक्सीडेंट के साइट पे थी जहां स्टर्लिंग का एक्सीडेंट हुआ था। आग लगा दूंगा, पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूंगा अगर गलती से भी मुझे झूठ बोला तो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे झूठ बोलोगी और बच जाओगे? ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा वहम है। तुम अच्छे से जानती हो मेरा, मैं पृथ्वी मल्होत्रा हूं और मैं अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता। कानून तो बहुत बाद में आएगा, मैं खुद चलता फिरता कानून हूं और तुम मुझसे नहीं बच सकती, समझ में आया? तुम यहां छिपकली की तरह छिपके बैठी हो, देखो मेरी बीवी का हाल, मेरी शरण बीवी को कितनी तकलीफ हो रही है, कितने दर्द में है वो, कितना गुस्सा आ रहा है उसे। तुम्हें पता है उसको दर्द क्यों हो रहा है? शरण बीवी मां बनने वाली थी, उसकी कोख में नन्ही सी जान पल रही थी और वो जान, उस जान की जिंदगी तुम ले ली, तुम्हारी वजह से मर गया वो। शालिन बेबी का दर्द को कम नहीं कर सकता, पर गुस्सा जरूर कम कर सकता हूं। जानना चाहती हो कैसे? जब मैं उस इंसान को जिसने मेरी बेबी को चोट दी है, उसको दुगनी चोट पहुंचा के, जिसने बेबी को तकलीफ दिया ना, उसको दुगनी तकलीफ दे के, उसको पूरी तरह से तोड़ फोड़ के। तुम क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं किस बात की बात कर रहे हो। बॉटल में उतरना चाहती हो? मुझे बॉटल में उतारना चाहती हो, और बॉटल में उतारने का काम सिर्फ पृथ्वी मल्होत्रा का है, और जो मुझे बॉटल में उतारने की कोशिश करता है ना, मैं उसी बॉटल को पकड़ के उसे सिर पे फोड़ देता हूं। समझ में आया? बकवास मत करो, सीधी बात करो। मैं जानता हूं कि मेरी बेबी का एक्सीडेंट तुमने किया है, और उसके पेट में जो बच्चा था उसकी जान भी तुम्हारी वजह से गई है, मैं सब जानता हूं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आखिरी मौका देता हूं, समझदार हो ना, इसको या तो आखिरी वार्निंग या फिर आखिरी अपॉर्चुनिटी समझ लो, कबूल कर लो, कबूल कर लो कि शरण बेबी का एक्सीडेंट तुमने करवाया। देखो अगर तुम कबूल कर लोगे ना, तो तुम्हारा आज, तुम्हारा कल, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे सपने, तुम्हारा सब कुछ बच जाएगा। पर अगर तुमने कबूल नहीं किया और झूठ बोलने की कोशिश की ना, तो जिस तरह से तुमने मेरी बेबी की जिंदगी छीन ली, उसी तरह से मैं तुम्हारी जिंदगी छीनूंगा। मैं तुम्हें हर दिन हर लम्हा इतना तड़पाऊंगा, इतना तड़पाऊंगा कि तुम जिंदा तो रहोगी, जिंदगी नहीं बचेगी। शट अप, शट अप। क्या बोलते जा रहे हो? जो दिमाग में आ रहा है बस बोलते चले जा रहे हो। क्या कन्फेस कर लूं? क्यों कन्फेस कर लूं? मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों मान लूं कि मैंने किया है? पृथ्वी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है जो शोलिन के साथ हुआ है, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उसी की गलती है, सब उसकी वजह से हुआ है, सारी प्रॉब्लम की जड़ वही है। क्या जरूरत थी प्लान बनाने की? क्या जरूरत थी उसको वहां जाकर प्रीता को मारने की? उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर को फोन किया था, जिस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ है वही कॉन्ट्रैक्ट किलर वो ट्रक चला रहा था, मेरी क्या गलती है इसमें? Well done. Well done, माहिरा खन्ना, मुझे पता था तुम बेवकूफ हो, लेकिन इतनी बेवकूफ आज पता चल गया। तुमने खुद अपने मुंह से अभी अभी कबूल किया, तुमने वो सब कुछ देखा, जो भी तुमने देखा वो सब तुमने बता दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीडेंट साइट पे तुम थी और तुम्हारी वजह से शरण बेबी का एक्सीडेंट हुआ। तुम्हारी वजह से। वेल डन, वेल डन। माहिरा, एक बात बोलो, इस वक्त ना तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मैं हूं, टू इन वन, तुम्हारा भगवान भी और तुम्हारा यमराज भी,
अगर तुम कबूल कर लोगी कि तुमने शरीन का एक्सीडेंट किया है तो मैं तुम्हारा भगवान, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। पर अगर तुमने गलती से भी झूठ बोलने की कोशिश किया, कबूल नहीं किया ना, तो मैं यमराज कबूल कर लो, बचना है तो कबूल कर लो। किसको धमकियां दे रहे हो? किसको डरा रहे हो? अपनी धमकियां अपने पास रखो, जो बोलना है जिसको बोलना है जाके बोल दो, आई डोंट केयर। जो बोलना है बोल दो, जिसको बताना है बता दो, ठीक है। मैं अभी बाहर जाके पूरे परिवार को, लूथरा परिवार को यह बता दूंगा कि शर्लिन के एक्सीडेंट के पीछे और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा हाथ है, और शर्लिन के बच्चे की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। शर्लिन के कोख में जो बच्चा पल रहा था उसकी जान किसी और ने नहीं, तुमने भी है मायरा। मायरा तुम तो कहीं बेटा, शर्लिन का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ है शर्लिन? हॉस्पिटल। माँ को तो हमने बचा लिया बट बच्चे को नहीं बचा सके। मत रोइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आइए इधर बैठिए, इधर आइए। मॉम आप ऐसे रोगे तो अपनी तबीयत खराब कर लोगे, और आपकी तबीयत खराब हो गई तो घर को कौन संभालेगा? हम सबको कौन संभालेगा? डैड को कौन संभालेगा? वो जो खोया मॉम वो वापस भी तो आ सकता है। तभी तो है मॉम, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये मॉम कि मैं और प्रीता हम डेड बनना चाहते हैं। बार बार धमकियां देने से क्या होगा? किस बात की धमकियां दे रहे हो? ये कातिल 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 बोलने से मैं कातिल हो जाऊंगी क्या? तुमसे डरने लग जाऊंगी मैं? जो करना है जाके कर दो, एंड आई स्वेयर जो तुम करोगे ना उसका 1000 गुना ज्यादा मैं करके दिखाऊंगी। तुम क्या बदला लोगे मुझसे? मैं तुमसे बदला लूंगी। तुम बदला लोगी? बदला तो मैं लूंगा तुमसे, वो भी अभी इसी वक्त। जस्ट वेट एंड वॉच। क्या बोलोगे कि मैंने शर्लिन को धक्का दिया था, ये बोलोगे? अभी जाके सबको बोल दो, लेकिन उसके पहले मैं सबको जाके बताऊंगी शर्लिन वहां गई क्यों थी। हाँ, मैं ये बताऊंगी कि शर्लिन वहां पर प्रीता को धक्का देने गई, ये बताऊंगी कि वो प्रीता को मारना चाहती थी, ये बताऊंगी कि तुम कृतिका से शादी क्यों करना चाहते हो, क्यों आए हो इस घर में, प्लान क्या है तुम्हारा,
ये भी बताऊंगी कि अक्षय का असली कातिल कौन है। छोड़ो मुझे। चुप हो जा, खबर दो। क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, क्या समझते हो? कौन हूं मैं? क्या लगता है मैं कोई गिरी पड़ी हूँ? कोई भी इस कमरे में आएगा, डराएगा, धमकाएगा मुझे, बोलेगा सामान पैक करो, निकलो यहाँ से, मैं निकल जाऊंगी। हाँ, 12 ऐसी बदतमीजी करने से पहले 1000 बार सोचना। पृथ्वी, 1 सेकंड लगेगा मुझे बाहर जाके ये बोलने में कि जिस बच्चे के लिए वो रो रहे हैं, जिस बच्चे के लिए मातम मना रहे हैं, वो बच्चा तो इस परिवार का खून है ही नहीं। क्या हुआ? बोलती मत दुखी। क्या लगा था? मायरा को कुछ नहीं पता है, वो कुछ नहीं बोलेगी। पता अपने पास रखो और यहां से चलती बनो। एक अच्छी सलाह देता हूं तुम्हें, तुम ना अपनी इज्जत का बोरिया बिस्तरा बांधो और यहां से चलती बनो, वरना मैं तुम्हारी इज्जत का ऐसा जनाजा निकालूंगा ना जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद यहां से आउट। और रही बात शालिन बेबी की, तो मैं तुम जैसी डायन को ना उसके आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। समझ में आया? डायन? डायन? ओ मैडम, और मैं तुम्हारी फालतू की बातें सुनने में इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो अपना? होते कौन हो तुम मुझे कुछ भी बोलने वाले? मैं कौन होता हूँ? कौन नहीं होता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ ना, ये तो अभी पता चल जाएगा। अभी Excuse me. अगर इतनी देर तुमसे यहाँ पर खड़े होकर बातें कर रही हो ना, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डरती हूँ। तुम डरो मुझसे, क्योंकि अब इस घर में से कोई जाएगा तो वो तुम और तुम्हारी शालिन बेबी। पृथ्वी, प्रीता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इस घर में होते हुए भी मुझे इस घर से नहीं निकाल पाई, तो तुम क्या मुझे यहाँ से निकालोगे? शायद जानते नहीं हो मैं किस हद तक जा सकती हूँ। दिखाती हूँ तुम्हें। Now you wait and watch. Kareena aunty. Kareena aunty. Sarla. Namaste. Girish ne abhi abhi bataya ki tum log aaye ho. Ji, pata chala ki Rishabh aur Sharlin ka hone wala bachcha. Bahut bura laga. Socha ki आप लोगों से जाकर एक बार मिल लूं। आप आए, बहुत अच्छा लगा सच में। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। बाकी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं जानती हूँ कि ये कोई समय नहीं है ऐसी बातों का, लेकिन जिंदगी में ऐसा होता ही है। खुशियां आपके दरवाजे पर होती हैं और पता ही नहीं चलता कि कब कोई दुख आ जाता है। लेकिन जैसे सुख हमेशा नहीं रहता है ना, वैसे दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। आप देखना, जल्दी आपके घर में फिर से किलकारियां गूंजेंगी, खुशियां फिर से वापस आ जाएंगी। करीना आंटी, करीना आंटी, करीना आंटी, मैं कह रहा हूं रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। अच्छा हुआ आप सब मुझे यहाँ पर मिल गए। मुझे आप सबसे कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है, कुछ बहुत जरूरी बताना है। क्या हुआ मायरा, क्यों बुला रही हो मुझे? आंटी, मुझे आपको बहुत ज्यादा जरूरी कुछ बात बतानी है। मुझे ना ये सब कुछ कुछ दिन से पता था, लेकिन मैं चुप थी। क्या हो? पर आज एकदम सही टाइम है ये बताने के लिए। एक सेकंड, बस एक सेकंड ना आंटी। आप मुझे इस घर में लेके आई थी, आपने बोला था मैं इस घर में रह सकती हूँ, हॉस्टल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फैमिली मेरी फैमिली की जैसी, आपने कहा था ना ये मुझसे। तो कोई और कौन होता है मुझे ये बोलने वाला कि मुझे इस घर से चले जाना चाहिए, स्पेशली वो इंसान जो खुद के खुद खुद वो ये खुद है, खुद इसने शालिन जी की जान लेने की कोशिश की है।
झूठ बोल रहे हैं। सच बोल रहा हूँ। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। और कोई नहीं, ये माहिरा। शर्लिन जी के एक्सीडेंट के पीछे और कोई नहीं, इसके हाथ है। शर्लिन जी कोक में नन्नी मुन्नी जान पल रही थी, उस जान की जान इसने ली है। अगर इस पूरे हादसे के पीछे कोई जिम्मेदार है तो वो ये। झूठ बोल रही है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। सच बोल रहा हूं और मैं साबित कर दूंगा। तुम थी जिसने शर्लिन जी को मारने की कोशिश की। सब जी, आप तो शर्लिन जी के पति हैं, आप जानना नहीं चाहते हो कि इस लड़की ने आपकी पत्नी की जान लेने की कोशिश क्यों की? पूछिए इससे। मायरा क्या बोल रहा है? ये झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। साबित कर दूंगा मैं साबित कर दूंगा कि जो भी बता रहा हूं सबको सब सच है, एक एक शब्द सच है। ये तीनों शैतान तो एक ही टीम के चट्टे बट्टे हैं, पर आज पृथ्वी माहिरा के खिलाफ कुछ तो गड़बड़ हुई है इस तिकड़ी में।